हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और आज का टॉपिक जो है ना, बेसिकली बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ द ट्विन फ्लेम। है ना, देखो इस वीडियो में हम ये तो नहीं बताएंगे आपको कि ट्विन फ्लेम क्या होता है ना, वरना ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द गाइडेंस। अगर आप लोग बहुत टाइम से अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए गाइडेंस ढूंढ रहे हो, तो आई थॉट कि लेट्स डू इट। और उसके बाद पता है मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, जैसे उन्होंने कार्ड देखे कि इफ आई एम जस्ट गोइंग टू डू द ट्विन फ्लेम रीडिंग, तो मैंने कहा हाँ आई एम डूइंग इट, जस्ट हैव पेशेंस। तो आज की रीडिंग होने वाली है जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस। कोई पिकअप आइल नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आया कि हम पिकअप आइल करें। तो बेसिकली ये सबको सुनने के जरूरत है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का जो लेवल होता है वो ऑलमोस्ट सबके लिए ऐसे ही होता है, और सब उसी जर्नी में उसी तरीके से निकलते, चाहे वो डिवाइन फेमिनेंस हो, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलेंस हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। जिस भी डियोटी को, जिस भी एनर्जीज को आप मानते हो, उनको आप याद करो और उनसे लाइक गाइडेंस मांगो कि इस रीडिंग के थ्रू आपको इस जर्नी में आपकी गाइडेंस मिले, आपको क्लैरिटी मिले और नेक्स्ट एक्शन आपका क्या होना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपकी एनर्जीज, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, अगर आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी ये रीडिंग देख रहा है उसके अदर डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जीज चेक करेंगे, उनके डार्क साइड, उनकी पॉजिटिव साइड, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगर आप एग्जिस्टिंग हो तो हम आपसे कहेंगे नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, तो दैट इज ऑल्सो लाइक वेलकम, आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि इस टाइम आपकी एनर्जीज क्या है, और फिर उसके बाद आपके अदर सिग्निफिकेंट पर्सन की। ठीक है, डियर यूनिवर्स, हमें बताएं इस टाइम हमारे व्यूअर्स की करेंट एनर्जी क्या है उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी में वन कार्ड अनफोल्डेड, दैट इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स। हमारे व्यूअर्स की करेंट एनर्जी उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, दैट इज द टू ऑफ पेंटिकल्स। गाइस क्या बात है, आई विल पुल वन मोर कार्ड और फिर हम बताएंगे। ये रीडिंग इसी तरीके से डिवाइडेड है, जिसमें पहली जो एनर्जी चेक होगी या जो भी हम बात करेंगे वो आपके बारे में बात करेंगे, एंड देन दूसरी साइड जो है वो आपके पर्सन की होगी। ठीक है, आपने के सिग्निफिकेंट अदर की एनर्जी। क्या यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू गाइड्स। ओके, इट्स द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस चलो, अच्छा मॉडर्न की एनर्जी है स्ट्रेंथ की। मुझे क्या लग रहा है गाइस, कि आप लोग ना राइट नाउ बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी है ना, कि आप लोग बहुत मेहनत करके थक चुके हो, बहुत इंतज़ार करके थक चुके हो। तो ये बेसिकली एक सरेंडर की एनर्जी, जहाँ पे आप अपनी लाइफ में क्या बेटर कर सकते हो, है ना। जो भी आपकी लाइफ की बैटल भी हो सकती है, कि आप लोग बहुत टाइम से किसी चीज़ से लड़ रहे हो, या आपके अंदर खुद की फीलिंग्स हैं, या आपकी खुद की स्ट्रेंथ है जो आप लेने की वापस कोशिश कर रहे हो। आप लोगों की एनर्जी में मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, कि जैसे कुछ ऐसा है जो भी आपके हाथ से छूटते छूटते बचा है, और अब आप उसे वापस से संभाल रहे हो। लाइक आप कॉन्स्टेंटली जगल कर रहे हो अपने इमोशंस के बीच में, अपने माइंड, हार्ट, अपने थॉट, सारी चीज़ों के बीच में आप कॉन्स्टेंटली जगल कर रहे हो। या आपके फ्रेंड्स, फैमिली, है ना, अपना करियर, पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बैलेंस बिठाने की कोशिश तो कर रहे हो, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग रेडी भी हो कि सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस में आ जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, कि आपकी लाइफ में अभी तक जिन भी चीज़ों पे आप मेहनत कर रहे थे वो हार्वेस्ट कंप्लीट है, और जैसे वो कट करने का टाइम आ गया। मतलब जैसे आपने कहीं मानो अनाज बोया है, और अब वो अनाज पूरी तरीके से रेडी है कि आप उसे हार्वेस्ट करो और उसका लिटरली आप फूड इंजॉय करो, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो आप लोगों की एनर्जी इस टाइम आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसी है कि आप चेज नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपनी वेल बींग पे, अपनी ग्रोथ पे, है ना, दैट इज मोस्टली द फाइनेंशियल, अपने करियर पे। आप जॉब करते हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ करना चाहते हो, इट इज़ मोर अबाउट बींग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ पे कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को बैलेंस करो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे हम मूल मंत्र कहते हैं अपनी लाइफ में, बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि जब आप चेज करना बंद कर देते हो तो आपको जो अदर हाफ है वो आपके पास आना शुरू कर देता है। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने जहन में बसा चुके हो, मतलब जहन इन द सेंस अपने मन में इस चीज़ को रख चुके हो कि अब मुझे इसको चेज नहीं करना है ना। आप लोगों के अंदर एक डिवाइन पावर आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक ऐसा हो रहा था कि आप लोग बहुत ही
लाइक ना छोटी छोटी चीज़ों में रोने लग जाते हो कि है ना इस जर्नी में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगती थी तो आप लोग एकदम डर जाते थे कि अब क्या होगा, मेरा पार्टनर चला जाएगा है ना, अब इससे हम दूर हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एनर्जी आपके अंदर ख़त्म हो रही है और आपको एक जैसे एक डिवाइन नोइंग, एक इनर नोइंग ये है कि ये जर्नी हमारी पूरी होगी। अगर ये पर्सन मेरा डिवाइन मास्कुलिन है, अगर ये पर्सन मेरा डिवाइन फेमिनिन है, तो वो मेरे पास लौट के जरूर आएगी। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आप लोगों की लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है, एक बैलेंस की स्थिति क्रिएट हो रही है। एंड इट इज़ मोर अबाउट योर इंटरनल लाइक सिचुएशंस, जो आपकी इनर इमोशंस है वो बैलेंस होना शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। डियर यूनिवर्स, हमें बताएं इस ट्विन फ्लेम जर्नी के अदर सिग्निफिकेंट की एनर्जी। गाइस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है आप लोगों में के बीच में, मतलब आप दोनों ही अपने अपने तरफ से करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत ध्यान दे रहे हो आप लोग। मतलब ऐसा लग रहा है ना मुझे, आप लोग आने वाली लाइफ को अपने बेटर करने के लिए अभी जो है सबसे ज़्यादा आप लोगों के बीच में जो खींचतान चल रही है, दैट इज़ द स्टेबिलिटी। दोनों ही अपनी अपनी तरह से स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, दोनों ही अपनी तरह से खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वी हैव गॉट द लवर्स। वैसे आपके अदर सिग्निफिकेंट ना लाइन पे आ रहा है, ट्रैक पे आ रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी इनकी, हाई प्रीस्टेस, वाओ, तीन मेजर आर्कनाज है इनके लिए। चलो अच्छा, लेट मी टेल यू, आपके जो अदर सिग्निफिकेंट है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है, चाहे वो मास्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, इनके साथ क्या हो रहा है ना, ये अपनी लाइफ में बहुत ही सोच समझ के एक एक कदम रख रहे हैं। मतलब अभी ये इम्पल्सिवली होना चाहते हैं। अगर इन्होंने मानो जैसे आप लोग अपने ट्विन फ्लेम को जानते हो कि आपका कौन सा पर्सन है जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है एक्चुअल में, ठीक है, कुछ लोग पर्सनल रीडिंग्स के थ्रू जान लेते हैं ना, अगर आपको नहीं पता है तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसे क्या होता है कि आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि सामने वाला पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। तो अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, तो आप ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट कर पाओगे, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं भी है तो भी आपको ये समझ में आना है कि हाँ, ये वाला जो पर्सन है, अभी आपका जो अदर सिग्निफिकेंट है, हम बार बार अदर सिग्निफिकेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों के लिए उनके ट्विन फ्लेम जो होते हैं पार्टनर नहीं है। अभी आप लोग बहुत ही फ्रेश फर्स्ट वेव ऑफ एनर्जी में हो गए इस ट्विन फ्लेम जर्नी के, जिसमें आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर इस टाइम वो भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे वो बहुत सारी चीज़ों से थक गए, उनका मानना है कि अब लाइफ में एक स्टेबल जीवन होना चाहिए। और वो इम्पल्सिवनेस जो उनके अंदर थी ना, अभी तक हो सकता है कि बहुत इम्पल्सिव हो जाते हो, बहुत एक्शन ओरिएंटेड उतने नहीं लग रहे थे मुझे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उनको चीज़ें समझ पा रही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू द कनेक्शन बिटवीन यू टू, और उनको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का इंतजार है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे एनर्जी लग रही है कि आपके जो अदर पर्सन है उनके लिए मतलब डिवाइन अवेकनिंग हो रही है, उनको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है उनको अंदर से ना वो सोल कॉलिंग हो रही है कि लिटरली उनको क्या करने की ज़रूरत है जिससे ये जो डिवाइन यूनियन है हो पाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके जो अदर सिग्निफिकेंट काउंटर पार्ट हैं वो ना दूर रहते होंगे, है ना, तो ट्रैवल करके बेसिकली आना जाना ऐसा हो सकता है, या फिर ये लिटरली किसी डिफरेंट सिटी, कंट्री, स्टेट में रह सकते हैं, है ना, या फिर उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद हो सकता है। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनकी लाइफ में ना बहुत बहुत सारी सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन वो फिर भी सक्सेस को पा तो रहे हैं, ठीक है, वो ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से वो जो सुकून होता है वो नहीं पा पा रहे, क्योंकि वो सुकून कहीं ना कहीं आप दोनों का एक दूसरे के साथ एसोसिएट करता है, वो मिरर एनर्जी है। तो अगर आप थोड़े से भी टर्मोइल वाली एनर्जी में जा रहे हो तो उनको वो सुकून नहीं मिला है, नो मैटर उनके पास कितनी सारी चीज़ हो, लेकिन आप सुखी नहीं हो, आप खुश नहीं हो, तो ये एनर्जी उनको मिरर कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और आपके जो पर्सन है इस टाइम ना, वो लिटरली वो जो सुकून लव के साथ आता है, वो जो सुकून अपनी काउंटर पार्ट के साथ आता है, वो वाली फीलिंग को मिस कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ये लव आए जिससे वो भी मतलब किसी पर डिपेंडेंट हो सके। अगर आप इस कार्ड को देखो, है ना, द लवर्स का जो कार्ड है, इट इज़ मोर अबाउट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। तो वो चाहते हैं कि अब उनकी लाइफ में भी कोई आ जाए, है ना, अगर वो जिसे नहीं जानते हैं तो, कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर बेसिकली इस तरीके के डिवाइन कनेक्शन के बारे में नहीं जानते, तो वो बस अपनी लाइफ में किसी तरीके का पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आए तो उनकी लाइफ में
अगर फाइनेंशियल लाइफ में भी बहुत सारी स्टेबिलिटी ऑलरेडी है तो वो चाह रहे हैं पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, और अगर बाय चांस उनकी लाइफ में पर्सनली फैमिली वाइज बहुत स्टेबल लाइफ है बट फिर भी उनको एक पार्टनर चाहिए जिसके साथ वो अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सके, उनके साथ ट्रैवल गोल्स पूरे कर सके, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को ट्रैवल करना बहुत पसंद हो सकता है ना, या फिर चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद हो सकता है ना, बहुत हाईली स्पिरिचुअल है आपके पर्सन और लिटरली वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखो विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स अगेन ये एनर्जी है, अगेन ये एनर्जी है लाइक एक फैमिली की, तो आपके पर्सन आप फैमिली क्रेव कर रहे हैं, अपनी खुद की फैमिली है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे जो आपके सिग्निफिकेंट है, कुछ लोगों के लिए आप लोग ट्विन फ्लेम प्लस सोलमेट हो सकते हो क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स की भी एनर्जी, और सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी बेसिकली क्या बताती है हमें कि जो सोलमेट की एनर्जी होती है, ठीक है, और लवर्स भी कई लोग सोलमेट और कुछ लोग ट्विन फ्लेम की एनर्जी में देखते हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो अब बस मना रहे हैं कि मुझे मेरा सोलमेट मिल जाए, जो भी मेरे लिए बना हो वो मेरी लाइफ में आ जाए, है ना, बट आप में से बहुत सारे लोग जैसे मैंने कहा सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों एनर्जी में रहेंगे, तो आप लोगों के लिए जो कनेक्शन होगा ये हीलिंग भी होगा, उतना ही ट्रिगरिंग भी होगा और उतना ही इंटेंस भी होगा, तो ये सारी चीज़ें एक साथ आपके पर्सन को हो सकता है पेट बहुत पसंद होंगे, ठीक है, उनकी ओल्ड लाइक पर्सन के साथ, ओल्ड एज पर्सन के साथ बहुत अच्छी वाइब मैच करती है, मतलब यंग लोगों के साथ तो अच्छे रहते हैं बट उतना ही मुझे लग रहा है कि वो ओल्ड एज पर्सन के साथ भी बहुत अच्छे रहते हैं, और उनकी एनर्जी ऐसी है भी बड़ी हीलिंग, बड़ी हर्मिट काइंड एनर्जी है जिसमें वो एक्चुअल में जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है नॉलेज बहुत है, वाइज बहुत है, आपको गाइड कर सकते हैं जब भी अगर आप लोग कॉन्टेक्ट में हो, आप लोग जानते हो ऑलरेडी कि आपके ट्विन फ्लेम कौन है, तो आपके पर्सन आपको गाइड बहुत करते होंगे क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है, चलो अच्छा हम कुछ और कार्ड देख लेते हैं। डियर यूनिवर्स हमें बताएं गाइस आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत कुछ आने को है, हम एक कार्ड जो ओपन हुआ है उसको लेंगे, द ट्विन फ्लेम फैसिलिटेटर एक्सपेंसिव ग्रोथ। ओके डियर यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और क्या जानने की जरूरत है। द चूजन वन फास्ट ट्रैक टू असेंशन। ओके डियर यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या जानने की जरूरत है। गाइज आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है इम्पल्सिव हो रही है, या तो इस रीडिंग को देख के ही कुछ ज़्यादा ही आप इम्पल्सिव हो रहे हो कि क्या है कैसे आएगा क्या आएगा। 3-3 मरकबा एक्टिवेशन, ठीक है, दैट इज ग्राउंड शील्ड प्रोटेक्ट। वन मोर कार्ड, थैंक यू स्पिरिट्स, इंक्रीज योर फ्रिक्वेंसी, दैट इज ऑल्सो 3-3 हायर कॉन्शियस अवेयरनेस। ठीक है, ओके लेट मी टेल यू गाइज बॉटम की एनर्जी है 6-6 इंटीग्रेशन मल्टी डायमेंशनल हीलिंग। अब हम आपको एक चीज दिखाएं दैट इज रियली ब्यूटिफुल, दिस इज 3-3, लेट मी शो यू, दिस इज 3-3 एंड द बॉटम डेक एनर्जी इज 6-6 है ना, दो लोगों के लाइक आपके लो कंजंक्शन से संयोजन से है ना, इट इज कमिंग एट दिस वे। ओके सो व्हाट आई वाज सेइंग कि देखो आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारी एक्सपेंशन वाली ग्रोथ हो रही है, मतलब आप अपनी लाइफ में लिटरली हर चीज में एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप बहुत तरीके से बढ़ाने को सोच रहे हो, जिसमें आप सोच रहे हो कि और डीप इन डेप्थ आपको नॉलेज मिल जाए, आपको समझ में आ जाए कि लाइफ में क्या हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली आप लोग लाइट कोड्स क्रैक करते हुए दिख रहे हो विद इन यू, वहाँ को अगर वैसे हमें से कुछ लोगों को तो लाइट कोड का मतलब ही नहीं पता, आपकी सोल जान ली है ना, दैट इज ऑल्सो लाइक बींग एक्टिवेटेड विद इन यू, ये क्रैक भी आपके अंदर हो रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको लिटरली एक कह लो एक मार्गदर्शक बना रही है, आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे आए, समझ लो इस एनर्जी को। ट्विन फ्लेम एनर्जी में क्या होता है, सोल नंबर वन सोल नंबर टू, तो सोल नंबर वन जो होती है बेसिकली ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कही जाती है कि डिवाइन फेमिनिन को पहले ही ये दे दिया जाता है कि वो सारी चीज़ों को हील कर लें, है ना, इनमें से होता दोनों ही, कभी कभी डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि पहले वो लीड करते हैं, है ना, लेकिन मोस्टली आप देखोगे ट्विन फ्लेम एनर्जी में इस
पूरी जर्नी में जो फेमिनिन्स होती हैं वो हमेशा वन स्टेप अहेड रहती हैं, इनकी हीलिंग, इनकी ट्रिगरिंग, इनकी पॉजिंग पहले होती है रादर देन द मेल, है ना। तो आपकी लाइफ में वो चीज़, आप एक ऐसे जर्नी में हो, आप एक ऐसे मोड पे हो जहाँ आप आगे बढ़ रहे हो और आपके लाइक जो अदर सिग्निफिकेंट है वो आपको फॉलो करेंगे। तो ये इस पूरी जर्नी की जो फैसिलिटेटर हो, है ना, इस चीज़ को आप पढ़ाने वाले, इस चीज़ को आप मीन कह लो कि उजागर करने वाले आप हो, है ना। उसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग लिटरली चोजन मैन हैं, जो कि अपनी असेंशन, अपनी तो असेंशन आप कर ही रहे हो, साथ में अपने आसपास के लोगों, जो भी आपसे मिल रहा है, जो भी आपके साथ है, उसकी असेंशन में आप हेल्प कर रहे हो। मुझे लग रहा है आप लोग हाईली हाईली स्पिरिचुअल हो, है ना, और आप में से कुछ लोग लिटरली हीलर हो, रेकी हीलर हो सकते हो, है ना, टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो सकते हो, अकल्ट साइंस में हो सकते हो, बेसिकली जो कि कॉन्शियसनेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, दैट इज मोर अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी, है ना, लोगों की ये स्पिरिचुअलिटी को, डीएनए कोड्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ों को लिटरली आप लोग एक्सपैंड कर रहे हो, आप लोग बता रहे हो, खुद तो समझ रहे हो साथ में दूसरों को भी बता रहे हो। वेयर एज आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है, आपके पार्टनर दिन पे दिन अपने अंदर के जो डर है, अपने अंदर की जो प्रॉब्लम्स है उन पर काम करें, जिसकी वजह से उनकी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हाईली मेडिटेटिव स्टेट में, और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पर्सन किसी तरीके से ऐसी लाइट में है जहाँ पे लोग उनको ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। अभी उनके खुद की सोसाइटी कम्युनिटी में भी हो सकता है जहाँ पे लिटरली लोग उन पे डिपेंडेंट हैं किसी भी तरीके से, एनर्जी की वजह से, है ना, या उनके फाइनेंसेस की वजह से, उनके प्रोवाइडर एनर्जी होने की वजह से, बट आपके जो आपके अदर सिग्निफिकेंट हैं उनकी ना अपने आप में ऐसा मुझे लग रहा है वो बहुत मैनिफेस्टेशन पर विश्वास करते हैं। आज के टाइम में बेसिकली हर इंसान मैनिफेस्टेशन के बारे में जानता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं जान रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी अच्छी है, कूलर टेक्निक नहीं यूज़ करनी पड़ती है, बट उनकी फ्रिक्वेंसी वो इस चीज़ को आपके लिए चीट कोड यूनिवर्स का वो जानते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो आपको उस फ्रिक्वेंसी को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, और आपको यूनिवर्स को उस फ्रिक्वेंसी को भेजना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के आपको अपनी लाइफ में अलाइन कर पाओगे और वो चीज़ आएगी। आपके पर्सन हमेशा उनकी लाइफ बहुत इजी नहीं रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी में जैसे लेयर्स में काम हुए हैं, है ना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत सारे डिसेप्शन, बहुत सारे धोखे, उनका दिल बहुत बार टूटा है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की है ना, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ये जो एक्टिवेशन होता रहा है चेंजेस का, जो लेयर्स शेड हुई है उनकी लाइफ में, वो बहुत सारे टाइम पे ऐसे हुए। आपके जो अदर सिग्निफिकेंट हैं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी हीलिंग बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल हीलिंग हो रही है, मतलब वो खुद को हील कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, अपने आसपास के लोगों को, अगर किसी तरीके से मान लो इन्फ्लुएंसिंग है, सोशल मीडिया पे है, तो आसपास के लोगों को भी वो अपने मैसेजेस से, अपने अपनी जिस तरीके का काम वो करते हैं उसकी वजह से बहुत तरीके से हीलिंग दे रहे हैं, है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके पर्सन की जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत बहुत अवेयर है ना, बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करने वाली, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने वाली इन डेप्थ, मतलब जिस चीज़ में और वो तो बिल्कुल घुस जाओ, उनके सेवन चक्रास बहुत अलाइंड है, ये जो भी पर्सन है इनके सेवन चक्रास बहुत बहुत ज़्यादा अलाइंड है, ये अपने आप को ग्राउंड करना भी जानते हैं, अपने आप को शील्ड करना भी जानते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना जानते हैं, और ना सिर्फ खुद को, अपने आसपास के लोगों के लिए भी इस तरीके की डिवाइन एनर्जी का काम करते हैं, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम में फंसा है तो ये पर्सन जानते हैं कि उनको कैसे हमें काम और उस कामनेस और ग्राउंड एनर्जी में लेकर के आना है, ये अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना बहुत लाइक पसंद करते हैं, है ना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन लिटरली ऐसे लेयर्स में उनके किसी तरीके से ट्रॉमा था, लेकिन उन्होंने उस ट्रॉमा को एराडिकेट किया है रूट से, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उन्होंने अपनी लाइफ में रीबर्थ की इस एनर्जी को लाया, तो उनकी लाइफ में जो भी पहले हो रहा था दैट वॉज नॉट एट ऑल गुड, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, दैट इज़ मोर अबाउट ये जो पिंक एनर्जी है, दैट इज़ मोर अबाउट द लव हीलिंग, अब वो लव के लिए बिल्कुल रेडी है, और आपके से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास आने को भी रेडी है। 6 महीने का समय मुझे ऐसा लग रहा है, 6 हफ्ते से 6 महीने का समय मुझे ऐसा दिख रहा है जो कि बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, और आपके जो पर्सन है, आपके जो अदर सिग्निफिकेंट काउंटर पार्ट है, वो आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम आपकी और उनकी कुछ डार्क साइड्स देखेंगे, ठीक है, जिस पर आपको काम करना है, दैट इज ऑल्सो द शेडो साइड, जिसकी वजह से आपका जो यूनियन है ये अलाइन हो पाएगा।
हम ये तो नहीं कहेंगे तुरंत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग वेव में हैं, तो बेसिकली हम कहेंगे कि आपका यूनियन अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो शैडो साइड ऑफ माय व्यूअर्स, ओके, दैट इज द लोनलीनेस, ठीक है। और अब हम आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी देखते हैं, शैडो साइड ऑफ द काउंटर पार्ट, दैट इज द डिप्रेशन, ठीक है। तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, आप लोग ना चाह करके अपने ऊपर काम तो कर रहे हो, अपनी करियर पे, अपनी लाइफ पे, अपनी हैबिट्स पे, है ना, अपने ऑब्सेशंस पे भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक ऐसे पर्सन हो जो अटैच बहुत जल्दी होते हो, और एक बार ऑब्सेस्ड हो गए तो हाईली ऑब्सेस्ड हो, फिर आपको निकालना उससे बहुत मुश्किल है। तो स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप, आप लोग बहुत जल्दी ऑब्सेस्ड और अटैच हो जाते हो किसी पर्सन से, फिर वो इंसान आपके लिए भगवान हो जाता है। और हर इंसान में, अगर आप लोग अपने काउंटर पार्ट को नहीं जानते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है हर इंसान में अपना काउंटर पार्ट ढूंढते हो, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, ये उस एनर्जी से आ रहा है जहाँ पे आप लोनलीनेस की वो जो एनर्जी है, जहाँ पे आप इतने अकेले हो कि हर इंसान आपको अपना साथी, अपना दोस्त लग रहा है। तो ये चीज़ आपको काम करने की ज़रूरत है, अकेले की इस एनर्जी को, इस अकेलेपन की एनर्जी को आपको लिटरली अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करना सीखना है। अपनी इस लोनलीनेस में कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए दिया गया है ना कुछ ऐसा है जिस पे आपको खुद पे वर्क करना है, अपने आसपास की चीज़ों पे वर्क करना है, अपनी लाइफ पे वर्क करना है। तो आपको इस टाइम को यूटिलाइज करना है। वेयर इज आवर पार्ट की एनर्जी में, मुझे ऐसा लग रहा है रिसेंटली उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है ना, जिससे उनको थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो, बट हमें ऐसा लग रहा है कि आपके काउंटर पार्ट उस डिप्रेशन को कॉन्स्टेंटली हील कर रहे, उस पर कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि वो एक जगह से बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी नहीं है जिसपे वो एक्चुअल में बहुत खुश हो। देख लेते हैं कि एक आपका लाइट साइड कौन सा है जो कि आपको और ज़्यादा एम्ब्रेस करना चाहिए, ठीक है। व्यूअर्स के हमारे लाइट साइड, दैट इज एम्पैथी। तो देखो, आपके अंदर सबसे प्यारी चीज़ है व्यूअर्स एम्पैथी। आप दूसरों के दुख को समझ पाते हो, बट कभी कभी ना आप दूसरों के दुख को समझने में अपना कोर भूल जाते हो, आप अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ें भूल जाते हो, किसी के दुख में इतना ज़्यादा घुस जाते हो कि आप अपनी खुद की लाइफ ही भूल जाते हो, कि आपकी लाइफ में तो सब अच्छा, फिर भी रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। तो एम्पैथी करो, दैट इज़ गुड थिंग, बट इतना कोर में मत घुस जाओ कि अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ें भूल जाओ, ठीक है। चलो, आप आपके काउंटर पार्ट का लाइट साइड देख लेते हैं, दैट दे शुड एम्प्रेस स्पॉन्टेनिटी। आपके काउंटर पार्ट ना बहुत रिस्क टेकर है, मतलब उनमें वो ना, वो मुझे टाइगर और ये कैट फैमिली की जो एनर्जी होती है ना, वो आ रही है। मतलब बहुत स्पॉन्टेनियस है, बहुत रॉयल, बहुत रीगल, बहुत एक्टिव है। मतलब अभी कह तो यू कर देंगे, अभी कह तो यू हो जाएगा काम, बहुत बहुत प्यार। उनका विजन बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत दूर तक देखते हैं, दूरदर्शिता जिसे हम कहते हैं ना, वो एक्चुअल में आपके काउंटर पार्ट के अंदर है। तो अगर आप लोग अपने काउंटर पार्ट को जानते हो, मुझे ज़रूर बताना कि जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो रेजोनेट की हैं इन्होंने। तो आपके पर्सन की जो सबसे प्यारी चीज़ है ना, कि रिस्क टेकर तो मैंने बताया, लेकिन स्पॉन्टेनियस किस वे में है कि बैठे बैठे उनके माइंड में जैसे कोई चीज़ आइडिया आया और वो करने चल देंगे, बैठे बैठे उनको याद आया कि चलो अच्छा कहीं घूमने चलना, बैग पैक करेंगे, निकल जाएंगे। मतलब उनको ना इतने, सॉरी मुझे ना गोल्डन कफ अभी है तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम। तो हम क्या कह रहे थे, तो आपके पर्सन जो है ना, वो ऐसे पर्सन नहीं है कि डिप्रेशन में एक जगह बैठ जाएंगे, वो तब भी मूवमेंट करते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, अपना एसेंस नहीं भूलते। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट आपके रिलेशन में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में नेक्स्ट क्या है आपके लिए, डियर यूनिवर्स, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट क्या है, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू गाइड्स। व्हाट इज नेक्स्ट इन द ट्विन फ्लेम जर्नी, कोल्ड, एक्टिंग कोल्ड, बी पेशेंट, क्लियर आउट, ओके। Protected, safe, blessed by angels. Okay. What's happening next in this twin flame journey? Secretive, secrets, feels stupid and if. One more last card, universe. Please हमें बताएं next क्या हो रहा है twin flame journey में. Embarrassed, past actions, guilt or regret. ठीक है, देखो मुझे क्या लग रहा है ना, रिसेंटली आप लोगों की इस जर्नी में क्या हुआ है कि आपके पर्सन बॉटम लिक एनर्जी है वेकेशन, अ ब्रेक, नीडेड ट्रिप और क्वालिटी टाइम। तो देखो यहाँ पे दो एनर्जीज हैं,
जो लोग बहुत स्टार्टिंग की ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया है, बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा ऐसी उनकी एनर्जी है जहाँ पे वो आपको कुछ ज़्यादा बता नहीं रहे हैं, आप उनके पीछे लगे हो, बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे, क्लैरिटी चाह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब आपने ये कर लिया, अब उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, वो आपको छोड़ के चले गए, आपसे अलग हो गए, तो अब आपको बार बार वो पीछे की चीज़ें याद आ रही, तो आप सोचो हम कितने पागल थे, Why did I do that? आपके अंदर गिल्ट है, आपके अंदर रिग्रेट है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपको अपने पर्सन के बारे में कुछ पता चल रहा है, पहले लड़ाई झगड़ा हुआ, अब आपको अपने पर्सन के बारे में पता चला कि अरे वो तो बेचारे कितने दुख से गुजर रहे हैं, तब आपको अंदर ये गिल्ट हो रहा है कि हम कितने पागल थे, हम जबरदस्ती उनसे लड़ रहे थे, है ना। तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पर्सन आपके साथ कोल्ड बिहेव कर सकते हैं, आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, लेकिन मुझे बहुत सारे सीक्रेट्स भी बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे जो बैकग्राउंड नॉइस आप सुनना फिर कहेंगे ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन के चक्कर में हो रही है और प्लीज़ इसे इग्नोर करना, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपका जो पार्टनर है उन्होंने जो आपको डिच किया, आपको गिल्ट रिडन है हम कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट एक्शंस को ध्यान में रख के अब उन्हें गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि कैसे वो आपके ऊपर लाइक उनका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर था, बहुत सीक्रेट रख के बहुत सारी चीज़ें, तो आपके पर्सनल सोच रहे हैं कि कितने पागल थे उन्होंने जो ये सब किया, है ना। उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करके बहुत लाइक कूल बन जाएंगे काइंड ऑफ एनर्जी, लेकिन उन्होंने देखा कि आप उनके पीछे पीछे नहीं आए, क्योंकि कई लोगों के लिए मुझे लिटरली लग रहा है कि आप उनके पीछे पीछे जाना बंद कर दिए हो, है ना, उनकी बातें सुनना आप बंद कर दिए, जो हमेशा बोस्टिंग वाली एनर्जी में रहते थे ना कि अरे मेरे पास इतनी लड़कियाँ मेरे पास इतने लड़के, हमेशा वैसे रहते थे, आपको दिखाते थे कि उनको कोई फर्क नहीं, आप रहो तो रहो नहीं रहो तो नहीं, बट उन्हें लिटरली फर्क पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर हम बात करें कि इसमें एक्शन आ सकता है कि नहीं, तो मुझे अभी भी ऐसा कोई एक्शन आपके ट्विन जर्नी में होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर आप मुझसे कहो कि हम जबरदस्ती व्यूज के लिए आपसे कह दें कि नहीं नहीं यूनियन तुरंत हो जाएगा, तो मुझे उसमें अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी आप दोनों ही अलाइन हो रहे हो, ठीक है, और उसके लिए लिटरली आपको बहुत सारा काम करने की जरूरत है। अगर पीछे के लिए आप कुछ भी जो आपने किया अपने इस जर्नी में, आप सोचते हो कि हमने क्यों किया, बहुत ज़्यादा गिल्ट रिडन आप हो रहे हो, है ना, तो हम कहेंगे कि नहीं देखो ये सब पार्ट था आपकी लाइफ का, आपकी इस जर्नी का, तो डेफिनेटली आपको एम्ब्रेस करना चाहिए। चलिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। ग्रीफ, देखो अगेन कार्ड इज प्रेजेंट हियर, अब हम कुछ और मैसेजेस देखेंगे। अगर इसमें कहीं से एक्शन लिख जाए, What is going to happen next in this twin flame journey? Dear universe, हमें बताएं आगे इस twin flame journey में क्या होने वाला है, प्लीज़ हमें गाइड करें आगे इस twin flame journey में क्या होने वाला है। तो देखो जितने भी दुख है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दुख है ये धीरे धीरे करके जाएगा। चिल्ड्रन, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ना ये जो जर्नी है इसमें ना चिल्ड्रंस का भी, मतलब चिल्ड्रन का भी रोल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लिटरली डिस्टेंस आया हो, आप लोगों के जो काउंटर पार्ट हो वो मैरिड हो, यू नो वो ऑलरेडी फादर मदर हो, रोमांस भी है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों, अगर ये आपके ही पार्टनर हैं, कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हस्बैंड हो सकते हैं, लेकिन अब आप लोगों का सेपरेशन हो गया है, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ये सब आपकी लिटरली शैडो साइड जो है उसको उस पर वर्क करने के लिए और आपके एक्सपेंशन के लिए हुआ है, और ये वापस से रीयूनियन होगा। वाओ, वी हैव गॉट टू थिंग्स, द फर्स्ट इज द मेमोरीज हियर, कमिटमेंट, फ्यूचर, अभी हम फ्यूचर की बात कर रहे थे, ब्रोकन हार्ट एंड द डिवाइन काउंटर पार्ट एंड द एंगेजमेंट, द लास्ट कार्ड इज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। देखो अब सारे अच्छे कार्ड आ गए, हम अभी कह ही रहते ना कि देखो मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है लेकिन आगे होना है, ये चीज़ तो डन है। तो बहुत सारा रोमांस, एंगेजमेंट, मतलब बहुत सारी इंगेजमेंट नहीं, बहुत सारा रोमांस आ रहा है, उसके बाद इंगेजमेंट भी दिख रही है मुझे, कमिटमेंट भी दिख रहा है, फ्यूचर में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहे हैं। तो जितनी भी वो जो ब्रोकन हार्ट की एनर्जी थी, अभी तक जिन चीज़ों से आप गुजर रहे थे वो चीज़ें चेंज होंगी, आप लोगों के बीच में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। यहाँ पर अगर हम आपको एक चीज़ दिखाएं, देखो बहुत क्लियर मैसेज है कि जितने ही ज़्यादा अभी तक आप लोग के बीच में सीक्रेट्स रहते होंगे, आपके पर्सन आपको सीक्रेट लाइक सीक्रेसी रखते होंगे चीज़ों के साथ, उतनी ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है ना। तो वो जो चीज़ें हैं जो अब तक उन्होंने छुपाई है, उस चीज़ का उनको गिल्ट है ना, तो वो आकर के आपको बताएंगे। तो कुछ लोगों को लिटरली पता चल सकता है कि आपके पर्सन मैरिड है ना, या फिर अभी भी उनका दिल टूटा हुआ है, किसी और के साथ थे, उन्होंने आपको चीट किया है, या किसी भी तरीके से जो एनर्जी है मुझे ऐसा लग रहा है अब चेंज हो रही है। बहुत
सारी ऐसी एनर्जी है। तो हम आपसे कहेंगे अगर ये किसी और के साथ मैरिड है ना, तो बेटर है आप इन्हें लेट गो अभी करिए, क्योंकि ये जो यूनियन है ये थोड़ा सा देखो आप लोगों के लिए मुश्किल मुझे लग रहा है। बाकी जिनके पार्टनर्स मैरिड नहीं है उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कमिटमेंट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हम एक लास्ट कार्ड और निकालेंगे कि आप कब तक ये यूनियन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी आई है और यहाँ पे ना ऐसे हम पढ़ रहे हैं। अगर हम आपको ऐसे दिखाते हैं, लेट मी शो यू, पहले डिवाइन काउंटर पार्ट है, फिर फ्यूचर है, देन कमिटमेंट है। लाइक डिवाइन काउंटर पार्ट फ्यूचर में कमिटमेंट दे रहे हैं। पहले बचपन में ऐसे कार्ड से याद करते थे ना, तो मुझे लिटरली ऐसा ही समझ में आ रहा है कि वो दिख रहा है कि जैसे ब्रोकन हार्ट था वो अब रोमांस में चेंज हो रहा है, कमिटमेंट में चेंज हो रहा है। बहुत सारी मेमोरीज हैं जो आप लोगों के बीच की हैं जो उनको याद आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है लिटरली आपकी पास्ट लाइफ मेमोरीज आपके पर्सन को एज अ विजन्स दिख रही है, विजुअल्स में दिख रहे हैं, सपने में दिख रहे हैं ये कुछ लोगों के लिए। अच्छा यूनिवर्स, हम कब तक ये यूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्लीज हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स कब तक अपना ये ट्विन फ्लेम यूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ना बड़ी स्माइलिंग वाली एनर्जी आ रही है यहाँ से। ओके द स्टार, ये डेस्टिनी यूनियन है गाइस, ये बॉटनिक एनर्जी स्ट्रेंथ। तो देखो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 महीने से 1 साल के अंदर ये यूनियन हो जाएगा, और ये यूनियन काफ़ी लोगों के लिए लिटरली मैरिज है, ठीक है। तो ये 8 महीने से 1 साल का टाइम मुझे लग रहा है कि जिसमें आपकी ये जो पूरी प्रॉब्लम्स है आपके स्ट्रेंथिंग जर्नी की, इस यूनियन की जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में आ जाएगी। और मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि लिटरली जो एंगेजमेंट और रोमांस का कार्ड है वो बार बार मेरा ध्यान खींच रहा है। दैट इज़ मोर अबाउट कि ये डेस्टिन्ड है यू नो, और आप मिलोगे ही मिलोगे अपने ट्विन फ्लेम यूनियन में, आपका होना ही लिखा है। बट उसके लिए ना ऐसा होगा कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे है ना, आपको मल्टीपल रास्ते दिए जाएंगे, और इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा रास्ता चूज करो। मुझे ऐसा लिटरली लग रहा है कि बहुत सारी जगह आपकी एनर्जी से स्कैटर हो जाएंगी, मतलब आपको अचानक से बहुत सारे भीड़ में खड़ा कर दिया जाएगा, कहा जाएगा पहचानो अपना डिवाइन काउंटर पार्ट, अगर पहचान सकते हो तो, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आपकी आप भले ऐसे ना पहचान पाओ, लेकिन जब भी अगर आपको कन्फ्यूजन और आपको लगे कि ये पर्सन आपके लिए सही है यानी ये आपका काउंटर पार्ट है यानी, इट्स बेटर अपने हार्ट से पूछो, अपनी आंखें बंद करो और फिर उस एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आपकी एनर्जी तुरंत कनेक्ट हो रही है तो दैट पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। लेकिन बायस्ड होकर मत करना, क्योंकि कभी कभी हम दिल की इतनी ज्यादा सुन लेते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारा नहीं भी होता काउंटर पार्ट तो भी हम मानने लग जाते हैं, है ना। तो अगर आपकी सोल, अगर लिटरली ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक ही सोल के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आपकी सोल पहचानने की। एंड द स्टार इज लाइक अ वेरी वेरी गुड ओमेन, हम आई विल से बहुत प्यारा कार्ड है। तो इमोशंस पर अपने ध्यान देना, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो ना करें, लेकिन हाँ इसमें यूनियन लाइक 80% लोगों के लिए आई विल से यूनियन है और आपकी शादी होगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन होगी ज़रूर, दैट आई कैन से। सो या ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को जानते हो, आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो, अपनी एनर्जी से रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और आई होप आप लोगों का यूनियन अच्छे से हो जाए, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। मैं फिर से देख लूँ कि शायद कोई लास्ट में मैसेज अगर रह गया, बट आई थिंक इतना ही मैसेज है। तो हम आपसे मिलेंगे अगली रीडिंग के लिए, मेरा वेट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।